हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की स्टूडियो में बात करने वाला है बिग बैश लीग के मैच नंबर 29 की, जो कि खेला जाने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको उमसे आराम क्रिकेट प्रेडिक्शन का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। इन्हें मैसेज करने पर ही आपको मैच सेशन टॉस की सबसे बढ़िया रिपोर्ट देंगे या आपको लाइफ टाइम लॉस स्कोर करके दे देंगे। जैकपॉट एंट्री के साथ आपको विनर टीम दी जाएगी। तो जाइए जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए और फायदा कमाइए। तो भाइयों, पहले बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की। मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का अभी तक तो इस साल प्रदर्शन बिल्कुल घटिया रहा है। अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ पहला एक मुकाबला जीते थे, उसके बाद से लगातार 6 मुकाबले मेलबर्न रेनेगेड्स ने हारे हैं। एक और स्टैट जो इनकी घटिया बैटिंग के बारे में बताता है वो ये कि अभी तक खेले गए 7 में से 3 मैचेस में इनकी टीम 100 रनों से कम पर ऑल आउट हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग इनकी कितनी बुरी रही है। और इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है, बॉलिंग में भी कई सारे मैचेस में इनकी टीम ने काफी ज्यादा रन कंसीड किए हैं, काफी बड़े बड़े टोटल इन्होंने कंसीड किए हैं। इस मैच में इनकी टीम के की प्लेयर्स की बात की जाए तो बैटिंग में एरन फिंच, सैम हार्पर, शॉन मार्श और राइली रुसो की प्लेयर्स होंगे। वही बॉलिंग में मोहम्मद नबी, केन रिचर्डसन और जॉश लेलर की प्लेयर्स होंगे। इनके अपोनेंट्स एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो इनकी टीम का भी प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। जरूर मेलबर्न रेनेगेड्स इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अभी तक इन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं, 4 मुकाबले अभी तक हारे हैं। पिछले मैच इन्होंने खेला था सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, जिससे ये हारे थे। उस मैच में जो एक चीज नोटिस करने वाली थी वो ये कि इनके बैट्समैन उतने ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पा रहे थे। जोनाथन वेल्स ने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली थी पर वो काफी धीमा रहे थे, जिसके चलते टीम सिर्फ 150 रनों तक ही पहुंच पाई थी। बॉलिंग जरूर इन्होंने काफी बढ़िया की थी पर 150 रनों का टारगेट डिफेंड करने में फिर भी नाकाम रहे थे। की प्लेयर्स की बात की जाए तो बैटिंग में एलेक्स केरी, मैट रेनशॉ, जोनाथन वेल्स, जेक वेद्राड और फिल साल्ट की प्लेयर्स होंगे। वही बॉलिंग में राशिद खान, डैनी ब्रिक्स, पीटर सीडल और वेस एगार की प्लेयर्स होंगे। इस मैच की मेरे ड्रीम 11 टीम की बात की जाए तो कैप्टन मैंने बनाया शॉन मार्श को, वाइस कैप्टन मैंने एलेक्स केरी को बनाया है। आप चाहे तो एरन फिंच या राइली रुसो के साथ भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर जा सकते हैं। ये मैच खेला जाने वाला है एडिलेड ओवल एडिलेड में, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का घर। इस सीजन यहाँ पे अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, एक मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, एक मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीता है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो काफी बैलेंस सरफेस हमें देखने को मिला था, स्पिनर्स को भी और तेज गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत मदद मिलते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा बैटिंग के लिए भी उतनी ज्यादा मुश्किल पिच नहीं थी, 160 के आसपास का कोई भी स्कोर यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। इसके अलावा अभी तक तो इस सीजन रिकॉर्ड एकदम सिमिलर रहा है, फर्स्ट बैट या सेकंड बैट को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला है, पर इस मैच में मेरे ख्याल से टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा और टारगेट को चेस करने वाली टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच में बाजी मारेंगे। पिछले 6 मैचेस लगातार हारते हुए आ रहे हैं पर मेरे ख्याल से उस स्ट्रीक को मेलबर्न इस मैच में तोड़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।